ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ତିନିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଅଠରଟି ଭାଷାଭାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରଖିଛନ୍ତି ବା ଅନୁଭବ ନିଜର ବିଶେଷ ରଖିଛନ୍ତି ବା ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜେନେରାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ପବନ ପୁତ୍ର ବାଦ जी, सर को आपको स्वागत है, है। परिषदा में कर रहा है क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश है में ये करने की कार्यक्रम कार्यक्रम का उद्देश्य और महत्व समझ जानने के पहले थोड़ा सा साहित्य परिषद को भी जानना जरूरी होगा अपने उड़िया के दर्शकों के लिए उड़िया के साहित्यिक समाज के लिए अक्टूबर उन्नीस में साहित्य परिषद की स्थापना हुई स्थापना के समय ही साहित्य परिषद का उद्देश्य था कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है जो भारत की सनातन परंपरा है भारत की ज्ञान परंपरा और सनातन परंपरा ने हमेशा भारत के भविष्य के निर्माण की चिंता की है उसी उद्देश्य को लेकर के साहित्य परिषद ने अपने स्थापना काल से ही इस काम को आरंभ किया और इसकी एक विशेषता और है साहित्य परिषद की कि परिषद संस्था नहीं संगठन है और भारत में जितनी भारतीय भाषाएं हैं उन सबके बीच में संगठन काम करता है अखिल भारतीय साहित्य परिषद और भाषा की एकात्मता आज कई बार कई जगह से विरोध की आवाज़ आ जाती है कि नहीं हमें तो इस भाषा से नहीं उस भाषा में काम करना है हमें इस भाषा का नहीं उस भाषा में बोलना है तो ये जो भारत में विभाजन की नींव कुछ लोगों ने डाली थी इस विभाजन की नींव को पाटने के लिए और उसमें एकात्मता लाने के लिए साहित्य परिषद ने बहुत बड़ा योगदान किया है जैसे हम लोग भारत के जिस हिस्से में भी काम करते हैं दक्षिण से लेकर के पश्चिम तक पूरब से लेकर पश्चिम तक उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारी संपर्क भाषा हिंदी होती है किसी को असुविधा होती है तो वहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता उस भाषा में अनुवाद करके उस भाषा का विषय में पूरा बताता है भाषण के बारे में लेकिन कोई एक भी कार्यकर्ता यह नहीं कहता कि आपको संपर्क भाषा में नहीं बोलना है ये आनंद की बात है हमारे लिए भी और देश के लिए भी आज का जो यहाँ पर 19, 20, 21 जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें भी भाषा की एकात्मता भारत के संविधान ने जिन भारतीय भाषाओं को मान्यता दी है उसके जो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने उस भाषा के मर्म को समझा है उस भाषा की एकात्मता को जाना है और अपने साहित्य सृजन के माध्यम से पूरे देश को बड़ा संदेश दिया है चाहे वो युवा हो चाहे वो न, बुजुर्ग हो, चाहे भारत की गृहिणी हो भारत की महिलाएं हो, उन सब के लिए अपने साहित्य के माध्यम से एक बड़ा संदेश दिया है तो ऐसे 18 विद्वत साहित्यकारों को हम 20 तारीख को सम्मानित करने वाले हैं जिसमें संघ के सरसंघ चालक परम पूज्य मोहन भागवत जी रहेंगे उनके द्वारा हम ऐसे साहित्यकारों को सम्मानित करेंगे और इन साहित्यकारों का संबंध साहित्य परिषद से नहीं है इस समाज में काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं इसलिए साहित्य परिषद ने इनको चुना कि हम आपको आदर देते हैं भविष्य में आप इसी काम को और ज़्यादा तरीके से करेंगे ये उद्देश्य था कि जो आप साहित्य सृजन का काम कर रहे हैं समाज को प्रेरणा देने के लिए तो जब हम आपका आदर करेंगे तो आप और तीव्र गति से अपने साहित्य का निर्माण करेंगे इसी में हमने तीन दिन देश के हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं ऐसे हमने 300 कार्यकर्ताओं को सूचीबद्ध लिस्टेड करके कि किनको वैसे तो बड़ी संख्या है हमारे कार्यकर्ताओं के पूरे देश में भारत का कोई ऐसा प्रांत नहीं है जिसमें साहित्य परिषद का काम न हो लेकिन उन पूरे प्रांतों में से हमने चुने हुए कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया है 300 कार्यकर्ता रहेंगे तीन दिन उनकी भी बैठकें चलेंगी और वो भी इस कार्यक्रम को देखेंगे तो जो भविष्य में हमें विस्तार करना है उनको भी लगेगा कि हमें साहित्य का सृजन कैसे करना है हमें साहित्य समाज में पहुंचाना कैसे है उनको भी लगेगा कि अगर हम ये सम्मानित हो रहे हैं तो हम भी साहित्य का सृजन ऐसे करें कि भविष्य में हम भी सम्मानित होंगे सर, सर कहा जाता है कि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी हम चेंज ला सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिटरेचर फेस्टिवल में जाते हैं कहीं पुस्तकें पढ़ते हैं लेकिन अखिल भारतीय जो साहित्य परिषद है वो क्यों सामने आया संगठन ऐसा खड़ा हुआ भारत में कुछ बदलाव लाने के लिए कोशिश की क्या क्या पॉजिटिविटी लाए और लोगों के अंदर क्या क्या पॉजिटिव अभी भावनाएँ हैं संगठन को लेकर और साहित्य को लेकर कैसे भावनाएं हुई हैं सिर्फ ओडिशा नहीं है हर एक स्टेट में यदि देखा जाए तो कैसा भावना हुआ है अभी हमने शुरुआत में आपसे कहा कि जो भारत की ज्ञान परंपरा है उसको लेकर के साहित्य परिषद ने अपने स्थापना काल से ही काम को प्रारंभ किया देश के स्वतंत्र होने के बाद 15 अगस्त 1947 उस समय तात्कालिक जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसके कारण भारत में जो औपनिवेशिक बात था हमें घर से लेकर के हम बहुत छोटी बात बताते हैं बहुत गंभीर बात नहीं करते हैं कि जैसे हिंदी में कविता चलती थी अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल कविता हट गई कोर्स से और आया क्या जॉनी जॉनी यश पापा अगर हम उस कविता को बाद में देखेंगे तो जो छोटा बालक है जिसके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ना चाहिए वो अपने पिता से बाद में झूठ बोलता है सबसे अंत में तो ये जो औपनिवेशिक बात है भारत में उस औपनिवेशिक बाद की मानसिकता को पूरी तरीके से भारत के हमें बाहर करना है वो भी साहित्य के माध्यम से और ऐसे साहित्य का निर्माण हो रहा है देश में हमारे भैरप्पा जी हैं कर्नाटक के कन्नड़ करन, कन्नड़ भाषी हैं उन्होंने आवरण एक उपन्यास लिखा अद्भुत उपन्यास है पहले कन्नड़ में लिखा जब हिंदी में उसका अनुवाद हुआ तो लगभग पंद्रह बार उसका संस्करण छपा और पूरे देश ने स्वागत किया इतना जबरदस्त संदेश दिया है उन्होंने समाज को आजकल लोग कहते हैं कि मोबाइल आ गया है जरा पुस्तकें महंगी हो रही हैं लेकिन जब अच्छी पुस्तक सामने आती है तो समाज उसका स्वागत करता है जैसे आवरण का स्वागत किया है अद्भुत किताब है हम तो आह्वान करते हैं कि पूरे देश को उस किताब को पढ़ना चाहिए क्या संदेश दिया है हमारे आदरणीय भैरप्पा जी ने तो ऐसे ही जब इतना सुंदर साहित्य का निर्माण होता है और हमेशा पुराने लोग अपने कहा करते थे कि साहित्य समाज को अर्पण है भारत की जितनी भी ज्ञान परंपरा है चाहे वो आर्स ग्रंथ हों चाहे वो आकर ग्रंथ हों इन दोनों ग्रंथों में उसी साहित्य को समाज में स्थान मिला है जिसने भारत की भविष्य की पीढ़ी को कुछ न कुछ संदेश दिया है ये पश्चिम में ये नहीं है पश्चिम में केवल वहाँ का जो नायक और नायिका है वो केवल फ्रस्ट्रेटेड घूमते हैं आप किसी भी शेक्सपियर बहुत बड़ा नाम है मैं आदरपूर्वक कह रहा हूँ आप किसी के उपन्यास को देख लीजिए पश्चिम के लेकिन उसकी नायक और नायिका बाद में बहुत डिप्रेशन में रहते हैं समापन उसका डिप्रेशन से ही होता है बड़े से बड़े ग्राहक को आप वो बड़े से बड़े लेखक को आप ले लीजिए लेकिन भारत के जो लेखक हैं भगवान कृष्ण जब गीता में संदेश देते हैं अर्जुन को पूरा गीता उन्होंने बता दिया और बाद में कहा अर्जुन जो हमें पता था वो हमने बताया अब जो तुम्हारी इच्छा है वो करो अद्भुत अद्भुत है ये चीज भारत के बाहर कहीं मिल ही नहीं सकती है लेकिन 1947 के बाद भारत के जो तथाकथित साहित्यकार थे जो उस समय विराजमान थे उच्च ऊंचे पदों पर उन्होंने पूरे के पूरे भारतीय संस्कृति को भारत के ज्ञान परंपरा को भारत की प्रज्ञा को भारत की भविष्य की पीढ़ी को ऐसा संदेश देने की कोशिश की कि भारत में कुछ लिटरेचर था ही नहीं बहुत बार ऐसा होता है अभी एन में आप देख लीजिए भारत की बहुत बड़ा इतिहास है हर एक स्टेट की इतिहास है लेकिन जो इतिहास हमारा रहा है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है बहुत बार ऐसे हम इतिहास जब पुस्तक उभर कर पढ़ते हैं ज्योग्राफी पढ़ते हैं हर एक बुक अगर पढ़ते हैं कुछ ना कुछ तो दब जाता है अभी एन में बहुत सारे बदलाव आए हैं बहुत कुछ लोग ऐसे उभर कर आए जो इसको विरोध करते हैं तो जब साहित्य में कुछ बदलाव आता है कुछ चेंजेस आता है तब क्या लगता है कि लोगों को ये पसंद आएगा या फिर आप भी ये विरोध की सामना करना पड़ेगा अखिल भारतीय साहित्य परिषद को नहीं विरोध का कोई सामना नहीं है जो समाज को संदेश दे उन सबका हम स्वागत करते हैं लेकिन जो समाज को गलत दिशा दे उस सबका हम विरोध करते हैं भारत की जो ज्ञान परंपरा है पूरा का पूरा इतिहास का चैप्टर मुग़लों को समर्पित हो गया हम महाराणा प्रताप को स्थान नहीं दे सकते थे हम छत्रपति शिवाजी महाराज को स्थान नहीं दे सकते थे प्रभु श्री राम की वंश परंपरा को आज भारत का कोई नौजवान नहीं जानता है अब तो लोग जानने लगे हैं लेकिन आज से 20 साल पहले तक प्रभु श्री राम की वंश परंपरा को भारत में कोई नहीं जानता था लेकिन बाबर की वंश परंपरा को जानता था क्यों जानता था क्योंकि तत्कालीन लोगों ने साहित्य में उनका स्थान दिया भारत की ज्ञान परंपरा को बाहर कर दिया दूसरा चौदह सौ अट्ठानवे बाष्को डिगामा ने भारत पर आक्रमण ओ भारत आया इतिहासकारों ने क्या लिखा कि बास्को डिगामा ने भारत खोजा मैं आज भुवनेश्वर आया हूँ तेरा पंथ में बैठा हूँ आज मैं कहूँ कि तेरा पंथ को मैंने खोजा तो मैं तो मुझसे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं होगा क्योंकि तेरा पंथ तो सैकड़ों साल से यहीं पर है भुवनेश्वर तो सैकड़ों साल से यहीं पर है अगर मुझे तेरा पंथ का पता नहीं मालूम तो ये मेरी गलती है मुझे खोजना चाहिए लेकिन भारत की औपनिवेशिकवादी मानसिकता वाले साहित्यकार इतिहासकारों ने यह लिखा कि बास्कोट डी गामा ने भारत खोजा लेकिन उसके पहले जब विजेता भारत आया तो उनके गुरु उनके गुरु ने उनको कहा कि आप भारत को जाइए भारत को लूटिए अरस्तु तो या तो उस समय भी इतिहासकार ने लिखा तो या तो उस समय के इतिहासकार झूठ बोल रहे थे या चौदह सौ अट्ठानवे बास्को डिगामा के बाद के इतिहासकारों ने झूठ बोला तो ये जो दो तरह की बातें हैं परिषद इनका विरोध करती है वो कहते हैं कि जो भारत की जो मूल बात है भारत का जो मूल साहित्य है भारत की जो सनातन परंपरा की बात है भारत के जो भविष्य की पीढ़ी को निर्माण करने के लिए संदेश देने के लिए साहित्य निर्माण की बात है परिषद और परिषद के द्वारा साहित्यकार जो निर्माण हो रहा है भार परिषद के सबके सब साहित्यकार सबके सब साहित कार्यकर्ता सब के सब केवल इसी उद्देश्य में लगे हैं कि भारत की ज्ञान परंपरा सुरक्षित रहे और भविष्य की पीढ़ी को भारत के सारी की सारी सूचनाएं प्रामाणिक रूप से भविष्य की पीढ़ी को हम स्थानांतरित करें साहित्य के माध्यम से जिससे आज जो समाज का जो नेगेटिव मानसिकता बनी है हम अपने यहाँ गोस्वामी जी ने कहा है कि परित शरद धर्म नहीं भाई हम अगर परोपकार करेंगे इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है ये बात हटा दी गई भारत के उससे आज का जो नौजवान है वो पुरानी चीज़ अपनी ज्ञान परंपरा को पढ़ ही नहीं रहा है सिया राम मैं सब जानी हम तो पूरे विश्व बंधुत्व की बात करते हैं जो सामने है उसमें नरमे हम नारायण को प्रणाम करते हैं ये परंपरा भारत के साहित्य से ख़त्म करने की पूर्वक कोशिश की गई पूर्वक मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि भारत के ज्ञान तो भारत की ज्ञान परंपरा के साहित्य को भारत में पूर्वक ख़त्म करने की कुचेष्टा की गई है और साहित्य परिषद ने उसको पुनर्जीवित किया है यही साहित्य परिषद का उद्देश्य था जिस समय इसकी स्थापना हुई है और स्थापना काल से लेकर अब तक साहित्य परिषद इसी काम में इसी काम में जुटी हुई है साहित्य परिषद की जो जब हम बात करते हैं ऐसे हम भी पढ़ते हैं इतिहास पढ़ते हैं बहुत सारे किताबें ऐसे पढ़ते हैं ट्रेन में हो बस में हो लोग पढ़ते हैं लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो अभी फिल्म हो जाए सीरीज हो जाए वेब सीरीज हो जाए उसमें ज़्यादा घुसे हुए हैं वो ज़्यादा देखते हैं तो अखिल भारतीय साहित्य परिषद ये मॉडर्नाइजेशन के युग में वो कुछ कोशिश करेंगे थोड़ा सीरीज़ लेकर आए सिया के ऊपर हो राधा कृष्ण के ऊपर हो कोई भी ऐसा सीरीज जो मॉडर्नाइजेश भी हो और लोगों को पता चले कि एक्चुअल फैक्ट क्या है भारत के इतिहास की बात बोले ग्रंथ की बात बोले या फिर उपनिषद की बात है ये मॉडर्न के हिसाब से आपको क्या लगता है ये थोड़ा कोशिश भी होनी होने चाहिए सिनेमा भी साहित्य का एक रूप है लेकिन उसको विकृत किया गया भारत का नौजवान सिनेमा के हीरो को अपना आईकॉन मानता था कुछ लोग अभी भी मानते हैं जैसा वो करते थे वैसा करने की कोशिश करते थे परिणाम स्वरूप भारत का जो चेहरा है वो बदला कि जिस प्रकार का दृश्य जिस प्रकार के नायक जिस प्रकार की नायिकाएं वहाँ के लेखकों ने दिखाने की कोशिश की भारत के नौजवानों ने उनको आइकॉन मान करके उसके पीछे अंधी दौड़ लगानी शुरू की अंधी दौड़ लेकिन अब वातावरण बदला है भारत के लोगों ने अब ऐसे आइकनों को नकारना प्रारंभ कर दिया है अगर आप लोग जो भारत की ज्ञान परंपरा के खिलाफ बोलते हैं उनका भी विरोध करना शुरू किया है क्योंकि वो सचेष्ट हुए हैं वो जागरूक हुए हैं ये साहित्य का भी परिणाम है उनको फैक्ट मालूम चलने लगे हैं कि जो अब तक दिखाया जा रहा था ये गलत था जबकि इसके जो तथ्य हैं वो इसके विपरीत हैं तो अब आप देखेंगे कि पिछले पंद्रह सालों में लगभग पंद्रह सालों में जो भारत के आइकॉन जिनके पीछे भारत का नौजवान पागल हुआ जाता था अगर भुवनेश्वर में कोई एक हीरो या हीरोइन आ जाती थी तो यहाँ का युवा उम्र पड़ता पड़ता होगा उत्तर प्रदेश का मैं मूल निवासी हूँ मैं देखता था कि वहाँ युवा उम्र पड़ता था आज लोग विरोध करते हैं कि नहीं ये जो सज्जन आए हुए हैं इन्होंने ये काम किए हैं अपने जीवन में इसलिए ये हमारे लिए योग्य नहीं हैं हम इनको आइकॉन नहीं मानते हैं तो भारत का नौजवान जो अंधी दौड़ लगाता था नायक और नायिकाओं के पीछे अब वो सजग हुआ है अब वो हित और अनहित जानने लगा है एक इसका परिणाम है क्योंकि भारत का जो समाज है भारत का जो नौजवान है अब वो अच्छाई और बुराई भारत की ज्ञान परंपरा और औपनिवेशिक बात की परंपरा को वो लगभग समझने लगा है इसलिए ये सुपरिणाम देखने को मिला और इसके पीछे बहुत बड़ा काम अच्छे साहित्य का है अब हम बात कर लेते हैं सर जो 19, 20 और 21 को जो तीन दिन के अंदर अंदर जो कार्यक्रम होगा वो 20 तारीख को 18 जून को आप पुरस्कृत करने वाले हैं परिषद के हिसाब से तो वो कहाँ के हैं उड़ीसा में कौन ऐसे शख्स है जो आएंगे सामने उभर कर जिनका साहित्य लिखनी लिखने की बात हो या फिर कहने की बात हो या फिर पुस्तक की बात हो कौन कौन ऐसे शामिल होंगे अठारह जन के अंदर अंदर और किस टाइम उनको पुरस्कृत किया जाएगा मोहन जी भी आ रहे हैं उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे बहुत अच्छा है देश की जो प्रमुख भाषाएं हैं जिनको भारत के संविधान ने मान्यताएं दी मान्यता दी है उसमें से 18 भाषाओं के विद्वान को हम सम्मानित करने वाले हैं साहित्य परिषद के द्वारा और वो अपने क्षेत्र में बहुत विद्वान है बड़ा काम किया है इन्होंने साहित्य और समाज के लिए जैसे बंगाली हैं अहमिया है मणिपुरी है संस्कृत हिंदी कोंकड़ी मराठी सिंधी और आ, हाँ उड़िया उड़ीमा प्रोफेसर मोहंती जी हैं बहुत विद्वान हैं बहुत बड़े साहित्यकार हैं तो उनको ऐसे अठारह भाषाओं के साहित्यकारों को हम यहाँ सम्मानित करने वाले हैं जिन्होंने बड़ा काम किया है पूरा कन्नड़ में डॉक्टर प्रेम शेखर जी हैं बहुत काम किया है कन्नड़ साहित्य के लिए तमिल में हमारे प्रोफेसर कशी रेड्डी जी हैं तो भारत की जो भा भाषाई एकात्मता है उस भाषाई एकात्मता का दर्शन 20 तारीख को 11 बजे जो सुआ यहाँ का विश्वविद्यालय उसके सभागार में होगा और मैं उड़िया के आपके समस्त दर्शकों को आवाहन करता हूँ कि इतना भाषाई एकात्मता का एक यज्ञ होने जा रहा है उड़िया के अंदर भुवनेश्वर के उस विश्वविद्यालय में मेरा निमंत्रण है कि आप सब पधारें और देश के ऐसे महान विभूतियों को जिसमें संघ के सर चालक जी आएंगे उनके द्वारा इनको सम्मान मिलेगा तो ऐसे भव्य कार्यक्रम के भव्य महायज्ञ के आप लोग साक्षी बने बहुत बहुत धन्यवाद सर हम भी अपेक्षा रखेंगे उस कार्यक्रम के आप इतने देर तक हमारे साथ जुड़े हुए और बहुत सारे बात किए ये हमारे जुड़ी हुई थी पवन जी जे कि अधिक आलोचना करते सहित आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद र जो दिनिया कार्यक्रम सो विश्वविद्यालयले आसता उन्स कि एकै तारिखे अर्छ भारत एमि अठरजन को पुरस्कृत जो भने भारतीय भाषा साहित्य एउटा संस्कृति कथा कहाँ तार गोटे दिग्दर्शन दिन्छ दि, तार ओडिया साहित्य समाज हौ विभिन्न भी भाषा र साहित्य समाज को समाजको गए नदर्शन समान भुवनेश्वर क्यमेरा पर्सन प्रमोद महापत्रको सह स्वप्नाञ्च महान्त अर्गज न्युज जदि आपंक आम भिड्टा तेब को लाइक, ते शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलं तो